कोई मुकाबला है नहीं जिस पार्टी को अपना कैंडिडेट है नहीं वो साड़ा मुकाबला की करेगा। मैनू एक गल समझाओ, एक साल दी पार्टी ताकत दे विच आम आदमी पार्टी, एक साल तो बाद उन्होंने बगानिया पार्टियां जो कैंडिडेट लभना पै जाए तो कोई घर नहीं छड्डिया, कोई महला नहीं छड्डिया जिहदे घर ना गए, कोई एक दे थोड़ा गए, ये 12वें 14वें आदमी दे कैंडिडेट दे घर जाके अल्टीमेटली इन्हां नूं रिंकू जी मिले। तो जदों अपना उहदा मतलब कि इन्हां को आम आदमी पार्टी दा मैं समझना सीधे तौर बहुत वड्डा जलूस है इन्हां नूं, ना अपने MLA ते कोई इन्हां नूं विश्वास है, ना इन्हां नूं अपने कार्डस ते विश्वास है। जे कोई लड़ाना ही सी, जे तुहाडे कोल बंदा कोई नहीं सी, कोई कैबिनेट चों अस्तीफा दे के लड़ा लैन, उहदा मतलब इन्होंने इस गल नूं एक्सैप्ट कर लिया कि बेसिकली कांग्रेस का साडे को बदल है नहीं। सो दे चोज़ अ फॉरवर्ड कांग्रेसमैन कांग्रेस चों लभ के लिआंदा। बड़े घरां दे दरवाजे खटखटाए ने इन्होंने, लोगों ने घरां दे दरवाजे बंद कर ले, अखीर ते इक साडा साथी जिहड़ा सी उहनूं काबू करके घर चों उहदा कुतै दरवाजे का कुंडा थोड़ा ढिल्ला होणा उहनूं कढ लिआ इहने, बाकियां नूं तां कुंडे ही ला ले इहनां। एक वीडियो भी जी सामने आई है, क्योंकि जो राजा वडिंग जिला प्रधान उत्थे बैठे थे उस वक्त रिंकू जी ने कहा सीगा कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी गद्दार है तो उसकी पहला फोटो उत्थे लगा देनी चाहिए है, तो अगर वो वापसी करता तो उन्होंने पानी पिलाना चाहिए, अगर वो वापसी करता कि उन्होंने नाल की जी होए। देखो एक तो गल है कि वापसी का तो हूँ चांस ही कोई, जिस वक्त उत्ते जिस मोड़ के उत्ते पार्टी अज खड़ी है उस वक्त जे उहदी पिठ च कोई छुरा मार के जांदा उहदी वापसी दा वक्त कोई नहीं। बट एक रिंकू जी दी जिहड़ी राजा वड़िंग साहब दे सामने अपील सी कि गदारां दी फोटो एक कंध वक्री ला दो, वो असी उहनां दी जिहड़ी मनोकामना उह पूरी करांगे। बेरी साहब नूं असी बेनती कीती है कि एक दीवार जिहड़ी है कांग्रेस भवन दे पिछले पासे उहनूं कड़ी करा के उत्थे एक स्पैशल लिस्ट लगेगी जिहदे विच्चों जिहड़े बंदिआं ने औखी कड़ी पिठ दी पार्टी दी पिठ छुरा मारिया उन्हां दी तस्वीरां असीं जरूर लवांगे। भगवंत मान ने भी स्टेटमेंट दित्ती सी कि असीं पहला सर्वे करावांगे उस दे बाद जिहड़ा ऐलान करांगे, तुहानूं नहीं लगदा सर्वे कुछ जल्दी करा लिया? इन्हां दा अपना सर्वे ही हो चुक्या जी, सानूं तो यह अफसोस है कि जिस कश्ती दे विच रिंकू जी चढ़ गए ने वह कश्ती तो अद्धी पानी च पहले डुब चुकी सी। सानूं अफसोस है इस गल कि रिंकू जी का एक
चंगा फ्यूचर से कांग्रेस के, वो अपना फ्यूचर छड़ के उस कश्ती सवार हो गए ने जिहदी अद्धी विच पहले पानी भर चुकिया सी। ते अल्टीमेट तुहानू रिजल्ट पता ही की है, वेखो मेरी पहले भी प्रडिक्शन सी अज भी है, आम आदमी पार्टी वुड बी प्लेस्ड एट नंबर 4, ये चौथे नंबर पर होंगे, ना इन्हां चों शहर चों किसे ने वोट पानी, ना इन्हां नूं पिंडां च पानी। इट्स अ कंप्लीट फेल्ड गवर्नमेंट, इट इज़ अ फेल्ड चीफ मिनिस्टर। जिहड़ी पार्टी ये अगे विचार रखती सी कि दूजियां सियासी जमातां चों असी कोई भी बंदा कदी आम आदमी पार्टी च लिया के उन्हों दाखिल नहीं करांगे, साढ़े को अपना असी साधारण बंदियां नूं टिकटां दिया करांगे, अज ओह कुछ उन्होंने किया, इट शोज कंप्लीट बैंकरप्सी ऑफ द आम आदमी गवर्नमेंट। इन्होंने खुद कंसीड कर लिया कि साढ़े पल्ले कुछ नतीजे होंगे नहीं, देखो संगरूर दे विच भी आम आ रहे, नहीं नहीं देखो वक्रा जिहड़ा होना वह तो तुहानू दस ही दिता है, जिहड़ा वक्रा होना तुहानू दस दिता है, कांग्रेस जित रही है, आप हार रही है। इस इलैक्शन तो बाद मेरी पहले भी पेशगोई सी कि भगवंत मान इस इलैक्शन तो बाद बदलिया जाएगा, दे आर गोइंग टू चेंज भगवंत मान, इतने 100% होना। इतने चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, आ मेरी एक हुण सुन लो, अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने इहदी गल मुक चुकी है, जो पंजाब दे विच वड्डे पैमाने ते आ गुंडागर्दी हो रही है या जो कुछ भी पैरामिलिट्री फोर्सेज लियांदियां गईयां ने, ये दोनों दी बकायदा तौर अंडरस्टैंडिंग ना सारे काम हो रहे हैं। एंड ऑलरेडी ए प्लैन इज़ इन ऑपरेशन कि केजरीवाल वेखो तुहानू एक, मैं तुहानू एक अजीबो गरीब चीज़ दसना, कई बार हो जाती सच्चाई किस तरह बाहर आ जाती। कल केजरीवाल जदों आया पटियाले योगा दे अभियान नूं शुरू करन वास्ते, जिहड़ी स्टेज इन्हां दा कंपेयर सी, जिहड़ा सारों बेस्ट असी स्पीकर स्टेज सैकटरी बना, उहने उदों ऐलान कर दिता पंजाब दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। तुसीं सुणिया होणा, तुसीं सुणिया प्रैस वालिआं ने कि नहीं? नहीं सुणिया तां मैं तुहानूं हुणे सुणा दिंदा, सुणना जे जे नहीं सुणिया तां हुणे सुणा दिंदा, मेरा फोन पड़ाई सुण लिया ने, तो आह हाल है। तो उहदे मूँह चों निकल गया या कढवाया इन्हां ने, ये जमात इहो जी कुछ भी कर सकती है। सो भगवंत मान की ये बेसिकली 13 मई तो बाद समझो बाय द एंड ऑफ मे या फर्स्ट वीक ऑफ जून भगवंत मान विल गो। ये सारिया चीज़ा जड़ियाँ पोस्ट इलेक्शन सारे एक होके लड़नगे, सारे एक होके लड़नगे, सारिया के विचार ले जाएंगे, सारी लीडरशिप इकट्ठी होएगी, सारे वैस्ट हल्के साथी इकट्ठे हो गए। पहले तो परमात्मा वर्गों उन्होंने सानू पूर्ण फेत है अपने वीर राणा जी ते लाडी जी ते साड़ी भैन जेडे साडे कैंडीडेट ने, साडे जिन्ने काउंसलर्स ने, साडे जिला प्रधान जेडे, मैं इस गल की शाबाशी स्पेशली दूंगा बेरी साहब, जिस किस्म का रोल इन्होंने अदा किया, किसी टाइम पुराने कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष करते होंगे, यस प्लेड वेरी पिवटल रोल। सारी सानू वड्डी खुशी की गल है, दो काउंसलर्स नू छड़ के एक जेडे रिंकू जी उन्हां दी वाइफ जिहड़ी खुद काउंसलर सी, एक उन्हां दा एक होर आदमी जिहड़ा 24 घंटे उन्हां दी जेब च ही रहिंदा सी, उह दो बंदे गए, सारे दे सारे काउंसलर्स दित्ते। एंड उन्होंने यकीन दवाया सारी लीडरशिप नू कि ऐतकी मैक्सिमम लीड जिहड़ी उह जिहड़ी वैस्ट हल्के चों आएगी। एंड साडे भाई जिहड़े ने साडी इलैक्शन दे इंचार्ज जिहड़े ने राणा जी ने, उन्हें कहा कि दफ्तर लभो, मैक्सिमम टाइम ही विल कॉन्सनट्रेट एंड ही विल टेक ओवर द रेन, सारे साथियों नू नाल लैके घरों घर जाना पेगा, मैं भी जावांगा, साढ़े होर भरा भी टाइम कढ़णगे, साडा जिला प्रधान भी, साड़ी भैन जिहड़े कैंडीडेट ने करमजीत कौर, सारे ही साढ़े ब्लॉकों के प्रधानों तो लैके इस इलैक्शन नू सारे नू वड्डा सी एज ए चैलेंज कबूल कर लिया। सुशील रिंकू जी दा जो दफ्तर दा उद्घाटन कीता गया, उत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई, लेकिन जिहड़े वैस्ट हल्के तो विधायक निशीत अलमगरां उन्हां नू लियांदे होए उत्थे काफ़ी समा लग्गिया, 2 तों 3 घंटे का समा रहा, पर कोई जिहड़ी चेहरे ते मुस्कान सी ओह वी नज़र नहीं आई, कौन किवें देख रहे हो? देखो तुसीं समझ सकदे हो एक म्यान दे विच 2 तलवारां पै सकदियां, ते दोनों तलवारां खुंडियां ने, तुसीं आपे वेख लिओ कि जिहड़ी कोई वोट इन्हां नूं पैणी सी ओह वी नहीं लभणी, इन्हां ने गिनती चों कुड़ते झाड़दे निकलना, इन्हां नूं लभणा कुछ नहीं। तो दे आर फेसिंग एमिनेंट डिफीट, ये मेरा ख्याल सारे नालों पोलीटिकली
इमेच्योर जे कोई कदम आपने उठाया तो ये किया कि जिथे थोड़े को सिटिंग एम एल ए है दैट मीनस तुम सिटिंग एम एल ए कॉन्फिडेंस ही नहीं लिया, उतों के लोगों कॉन्फिडेंस नहीं लिया, अपने काडर कॉन्फिडेंस नहीं लिया, जिन्हों हूँ कई घंटे मजबूर करके तुम ये दफ्तर च लिया, तुम समझते हो कि एक दूजे नाल चलन गए जी। तो ये मैं समझना जिस किस्म के हालात आपने आप क्रिएट कर लेने ये टोटल इमेच्योरिटी ऑफ द आप लीडरशिप एंड बैंकरप्सी ऑफ द लीडरशिप साबित हो रही। अज नवजोत सिंह सिद्धू भी मिले ने राहुल गांधी नू प्रियंका गांधी नू ते हो सकदा कि एक दो दिनां च वो इत्थे आंदे, की लगदा कि पार्टी हुण उहनां नू कोई वड्डी जिम्मेदारी दिंदी? देखो इस बल इस गल दी जुम्मे इस गल दा जिहड़ी स्टेटमेंट है या कोई कोई इस ते कोई टिप्पणी है वो ते पार्टी दी सेंटर लीडरशिप ही कर सकदी है, मैं तो ये बारे कह कुछ नहीं सकता, बट असी वेलकम कर रहे हैं वो इत्थे आण पार्टी वास्ते अपनी सेवा निभाण। हमेशा कोई पोस्टा नाल गल नहीं हुंदी, असी भी बड़ा चिर काले पानी रहे हैं, अभी पार्टी थोड़ा छड़ी, असी तगड़े होके पार्टी नाल रहे हैं, तो इस गल कर एंड ही इज़ कमिंग आफ्टर लोंग टाइम, सो ये विच अपना रोल जो भी बनता होया निभाण जी इत्थे आके। हाँ जी, होर दसो ठीक है।